नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। खबर मधेपुरा से है, जहां कैलाट के मुखिया विमल कुमार को लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुखिया विमल कुमार ने बताया कि रविवार को सुबह करीब 8 बजे कुंदन कुमार एवं राजीव जोशी सहित 3 अज्ञात लोगों ने मेरे आवास पर पहुंचकर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मुखिया विमल कुमार ने बताया कि बीते 21 जुलाई को दिन के 12 बजे घैलाट वार्ड नंबर 4 निवासी जालेश्वर यादव के पुत्र अरविंद यादव एवं 4-5 अज्ञात व्यक्ति घैलाट पूर्वी टोला में शिव मंदिर के पास आकर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को काम बंद करने की धमकी देकर मुखिया विमल कुमार को फोन करने को कहा। जब मुखिया थोड़ी देर में कार्यस्थल पर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि मुझसे भी न पूछे काम क्यों करवा रहे, मुझे 25,000 रुपये रंगदारी दो, नहीं तो जान से मार देंगे। पंचायत के मुखिया विमल कुमार को 25,000 रुपये रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले को लेकर घैलाट थाना में मुखिया विमल कुमार ने आवेदन देकर आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर घैलाट थाना प्रभारी जगदीश कुमार यादव ने बताया कि आवेदन मिला है, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को दिन की 12 बजे जो मेरा ग्राम पंचायत घैलाट में ही 6 नंबर वार्ड है, वहाँ शिव मंदिर के पास समुदाय भवन का काम चल रहा है। समुदाय भवन में काम चल रहा है तो उसमें 4-5 लेबर मेरा काम चल रहा है, सेटरिंग का काम चल रहा है उसमें। उन्होंने अरविंद यादव है, 4 नंबर वार्ड का जालेश्वर का पुत्र है, जो भी क्रिमिनल टाइप है, उन्होंने आया और बोला कि इसे काम कौन करवा रहा है। तो मेरा लेबर बोला मुखिया जी काम करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई योजना है, हम तो खुद से करवा रहे हैं योजना को। हमको कॉल किया, हमने वहाँ लेबर कॉल किया, हमने तुरंत वहाँ पहुँचे, देखते हैं तो अरविंद यादव, उनके साथ 4-5 आदमी था, जो कि अरविंद यादव के साथ में एक थ्रीनट भी था। हमको डर हो गया कि क्या हो रहा है। बोला कि से नहीं, तुम काम तो शुरू किया, हम लोगों से पूछा नहीं। हम बोले आपसे क्यों पूछेंगे, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो बोला नहीं, तुमको मार देंगे हम, क्योंकि 25,000 रुपया अभी तत्काल दो, हम तब काम शुरू करने देंगे। हमने उसको 2-3 रोज का टाइम लिए, उसके बाद हम उनको टांगा पकड़ के वहां से निकाल दिए, क्योंकि हमको ये डर बना कि इसके हाथ में हथियार हो न हो गोली चला दिए। उसके बाद आज क्या हुआ, हमने इससे पहले SP साहब के पास आवेदन दिए और DIG साहब के पास, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक हम आवेदन फैक्स किए हैं, ताकि हमको जान से मार देने की धमकी मिली है। कभी भी अप्रिय घटना मेरे साथ घट सकता है, क्योंकि अभी आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बिहार में 8 मुखिया का हत्या हो गया है। हमको भी यह आशंका है कि कभी भी जान लेवा हमला हो सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, 24 तारीख का डेट में आज सुबह 8 बजे की लगभग बात है, जिन्होंने 4-5 आदमी आया और मेरे घर पे आया। हम घर से कहीं निकले नहीं, रात में आए मधेपुरा से, हम सो गए, सुबह जगे तो देखते हैं 4-5 आदमी आए हुए थे। तो उन्होंने उसमें 2 आदमी को हम पहचाने, जो कि कुंदन यादव है, जीवसपुर की है और गमरिया प्रखंड का, ये कुख्यात अपराधी करता है। उसके पास 4-5 केस भी अभी है। एक उनके साथ में राजीव जोशी है, जो विनोद यादव का लड़का है, रलिया का है, और 3 आदमी को हम नहीं पहचान पाए। उन्होंने बोला कि तुम केस तो किया है, केस किया तो इसको उठाओ, नहीं तो तुमको हम मुखियापनी करने नहीं देंगे, तुमको हम मार देंगे जान से। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी से नम निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जितने जल्द होता है सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि मेरी जान बच सके, मैं ग्राम पंचायत घैलाट का मैं सेवा कर सकूं।